हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है कुकिंग विद श्वेता टॉन्क में। आज हम रिपब्लिक डे के लिए स्पेशल स्वीट बनाने जा रहे हैं, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 3/4 कप दूध, 2.5 कप मिल्क पाउडर लेंगे, 6 से 7 छोटा चम्मच घी लेंगे, 1/2 छोटा चम्मच ऑरेंज कलर, 3 से 4 पिसी हुई इलायची लेंगे, 1/2 छोटा चम्मच ग्रीन कलर लेंगे, 150 ग्राम पिसी हुई चीनी लेंगे। सबसे पहले गैस ऑन करके घी गर्म करने के लिए रख देंगे। और घी के गर्म हो जाने के बाद हम गैस ऑफ कर देंगे और इसके बाद इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। और इसके बाद हम इसमें धीरे धीरे दूध को ऐड कर देंगे। हमें दूध को इसमें एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे करके डालना है जिससे कि इसमें गाँठें ना पड़े। अब हम गैस ऑन कर लेंगे। देखिए अब ये बॉयल हो चुका है और अब हम इसमें इलायची पाउडर मिक्स कर देंगे। और इसको हमें गाढ़ा होने तक पकाते रहना है। ये देखिए हमारा मिक्सचर पककर गाढ़ा होने लगा है। और अब हम इसमें लास्ट में पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। ये देखिए ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और अब हम इसको 20 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। और इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच के करीब घी मिक्स कर देंगे। और इसको 3 हिस्सों में बराबर बराबर बांट लेंगे। और इसके एक भाग में हम हरा रंग मिला के इसको इसमें मिक्स कर देंगे। और ऐसे ही दूसरे भाग में हम ऑरेंज कलर को मिक्स कर देंगे। ये देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। इस तरह से हमारे तीनों कलर के डो बनकर तैयार हैं। इसको हम गोल गोल लड्डू जैसी शेप देंगे। पहले हम इसमें ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे। और इसके बाद हम इसमें वाइट कलर का यूज़ करेंगे। इसको चपटा कर लेंगे हम हथेली पर रखकर और इसको इसमें बंद कर देंगे।
और इसी तरह हम ऑरेंज कलर की एक चपटी लेयर बना लेंगे। और अब इसको इसमें बंद कर देंगे। और बाकी को भी हम इसी तरह बना लेंगे। और इसके बाद 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। और ठंडा होने के बाद इस तरह से हम इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए हमारी तिरंगा मिठाई बनकर तैयार है। अगर मेरी आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।